अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान, मैं हूं मुनीर शाह। इसी तरह हमारा दूसरा चैनल भी है, सच आपके लिए बिहाइंड दी वाल ते पसे पर्दा सच ऑफिशियल। और हमारे जो फेसबुक भी इन्हीं नामों से हैं, आपके फीडबैक के बगैर ये प्रोग्राम जो हमारा ना वो बहुत बुरा है। आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने, आप इसमें ख्यालात ऑडियो वीडियो बना के भेज सकेंगे। गाली ना देना, बाकी मनोहन अनएडिटेड हम इधर आप अपलोड भी कर देंगे या सुनवा देंगे या जो भी चक्कर होएगा। हमारे सीरियस ये जो हमें नासूर चिटे चिपटे हुए ना, ये आर्मी चीफ जो थे ना, ये उनके बारे में हमने जिक्र करनी है। ये और ये वाला जो एपिसोड है बड़ा ख़ास है, क्योंकि मैं खुद भी इसका गवाह कह रहे हैं। इस वजह से कि आगा मां भाई अय्या खान 1979 में मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी। यहाँ जो कॉलेज है ना, मेरे कनेड कॉलेज के सामने नहर के ऊपर क्रिकेट हाउस है, क्रिकेट हाउस उसकी बैक साइड के ऊपर दो चार कोठियाँ, फिर नाला और उसकी बैक साइड के ऊपर इनकी स्टेट कह लो 8-10 कोठियाँ इन्हीं की आगा हुआ। ये 1917 में पैदा हुए थे, 1980 में बेचारे ये फौत हो गए। चकवाल में पैदा हुए थे जनाब अली आगा मोहम्मद या खान। अच्छा जी, ये नादर शाह जो 1740 में किंग कॉन्ग रहा ना, ये उसकी लड़ी से हैं। ये 1969 से 1971 तक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, ठीक है जी। अच्छा जी, कमांडर इन चीफ 1966 से 1971 तक रहे। अच्छा जी, अरे वो उसने क्या क्या नसूर पाले हुए थे अयूब खान ने, क्या ना करें। अच्छा, इनके वाले साहब थे ना वो इंडियन पुलिस में, सादत अली खान, आगा सादत अली खान इंडियन पुलिस में थे। और उन्होंने भगत सिंह जो वॉरियर था ना, हम वॉरियर की सीरीज शुरू करेंगे पंजाब के वॉरियर की, ये ना कहना कि पंजाब बांझ हो गया और केपी के फलां फलां, कुछ वजूहत होती हैं। जब पंजाब जागेगा ना तो इसमें से लखूखा भगत सिंह राय खरल निकलेंगे। अच्छा जी, इन्होंने आगा सादत अली खान ने उनको जो था ना केस स्पीडी जो आजकल ट्रायल चल रहा है ना, नदीम मंजम चलवा रहा है, फैसल नसीर चला रहा है, इस तरह ही वो ट्रायल चला के तो भगत सिंह को इन्होंने बनाए थे, उसको फांसी दिलवाई थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो आज, जिसकी वजह से जहांगीर करामत घर भी चला गया था, 1970 में इन्होंने बनाई थी। LFO के तहत इन्होंने वहाँ पे ये ऑर्डर भी किया था वगैरह वगैरह। अच्छा, इन्होंने जो अपना क्या कहता, आई कठे ना ले लिए, रल के खाइए रल के खाइए। अब्दुल हमीद खान डिप्टी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके पास दाखला और जो था ना क्या यार, उन्होंने कहा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये उनके पास थी। अब्दुल हमीद खान साहब डिप्टी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। यहीं नहीं रहे, आपने एक हीरो सुना होगा, बड़ा हीरो, तो वो भी तस्वीर के सामने कुछ और होता, पीछे उसके घिनौना किरदार होता। रिटायर जो है एयर मार्शल असगर, एयर मार्शल नूर खान, असगर खान का भाई था ये, हमारे हॉकी के भी करता धरता रहे मेरे ख्याल, हॉकी के क्रिकेट में भी शायद रहे। ये कम्युनिकेशन हेल्थ एंड साइंस टेक्नोलॉजी, यार एयर चीफ मार्शल को क्या कौन सा ओहदा दिया था, ये इनको डील करते थे। फिर एक सैयद मोहम्मद अहसन, फाइनेंस प्लानिंग डिवीजन कॉमर्स एंड बला बला बला, ये भी इनके पास था जी। ये हमारे नेवल चीफ थे सैयद मोहम्मद अहसन, ये इन्होंने कहा आओ यार रल के, आओ आओ रल के खाइए। अच्छा, यहीं पे नहीं रहा, आगे चलते हैं जी। इस्लामाबाद में इनके आपने बड़े सुने होंगे, किसे, नूर जहां तो इनकी थी, बड़े काम करवाती थी पैसे ले ले। अकलीम अख्तर उर्फ रानी, जनरल रानी, उसका दोतरा आज मेरे को फखर आलम इधर आजकल TV 2 पे भी छाया हुआ, उनके बड़े लंबे हाथ हैं। अकलीम अख्तर जो था ना, जब अनमैच्ड शादियां करोगे, हमकुफ शादियां ने करोगे, तो फिर वो पुलिस में पता नहीं वालदार था कि थानेदार था कि सब इंस्पेक्टर था, ये इंग्लिश बड़ी फरावानी से बोलती थी।
बड़ी इंग्लिश फरमानी से बोलती थी, और इसको पर्शियन भी आती थी। तो आगा तो पर्शियन का तो मास्टर था ना आगा, फैमिली में तो पर्शियन बोली जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पे ये बात हो गई, ये मदहोश ही रहते थे। तो जो बाकी जो नूर खान वगैरह, क्या वो नहीं करते होंगे? वो भी इसी तरह ही थे। अच्छा ये चलता, इनके आगा मोहम्मद खान यहिया खान साहब के ना एक बेटा था अली यहिया, वो 2012-13 में फौत हुआ। तो अपने बाप की बड़ी वेलकर, नहीं मेरे अकेला बाप नहीं था कुछ, ये सब कुछ था, ये प्लानिंग था, ये वो, जिस तरह आजकल बाजवे की लपड़ घटे नहीं है वो बताते फिरते हैं कि नहीं जी वो ये था तो ज़रूरी था, तो इमरान खान सर पे चढ़ गया था, ये था वगैरह वगैरह। आगा मामा यहिया खान की एक बेटी थी यास्मीन। अच्छा जी, वो भी बड़ी इसी तरह मोटी थी, तो बदी सी थी और थोड़ी सी बैंगी भी थी। आगा यहिया मोहम्मद खान जो था, इसका जो भाई था ना सका भाई, वो उसका नाम था वो आगा, अगर याद कुछ आ गया, आगा मोहम्मद अली खान, वो मगरबी पाकिस्तान का आईजी रहा। उसका बेटा जो था वो मेरा मैनेजर था अभी बैंक क्रिकेट हाउस में। ठीक है जी, यह भी हो गए आगा अहमद अली खान। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, इन्होंने अपनी बड़ी बरादरी, बड़ी रिश्तेदारी, जो अफगानी या रानी आता था, चल भी तो उधर सफीर लग जाए, रहा लग जाए, मिडल ईस्ट लग जा, फलाना लग जा, तो टमकाना लग जा, वहाँ पे ये बर्थ इन्होंने करते कराते रहे। लेकिन ओवरऑल अगर होते तो उनके भी डिफेंस तो बन गया था लाहौर में, वहाँ पे ये कोठियाँ प्लाट लेते या हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते या कुछ बनाते, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। ये अभी भी आगा अहमद अली खान भी मर गया, आगा मोहम्मद अली खान भी मर गया, आगा यहिया खान भी मर गया, अली मोहम्मद खान भी मर गया, यासिम भी बेचारी मर गई, और आगा फसीउद्दीन खान जो अभी बैंक का प्रेसिडेंट बना था, इनका दूर परे का रिश्तेदार था, तो मेरे मेरे पे बहुत उनके एहसानात हैं आगा फसीउद्दीन खान के, वो भी बेचारा मर गया, उसका सुसर भी मर गया। ये रोज़े भाग भाग के पढ़ते रखते थे, नमाजें कोई नहीं पढ़ते, नमाजें कोई नहीं पढ़ते थे, रोज़े भाग भाग के रखते थे, इधर से तो पढ़े हट जो पढ़ जाए, रोज़े के टाइम और रोज़े खुलने के टाइम हो गए, अफ्तारी लाओ जी और सहरी लाओ जी, फलाना टमकाना, एक एक सेब या एक कप दूध पीते थे बस अफ्तारी सहरी में भी, और शाम को भी बस यही होता था। इतना हमारी तरह नहीं, चाल भी 3 समोसे सूटे, उत्तों पकौड़े सूटे, एक दो नान सूटे, नाल कढ़ाई सूटे, नाल शरबत के 2-3 गिलास, ना ना ना, ये पूरी आगा फैमिली में, ये क्वालिटी कह लो डिस क्वालिटी कह लो, इस वजह से 1979 तक जो है ना वो बेचारा हाउस अरेस्ट रहा, हाउस अरेस्ट रहा। ये जब हम भी जाते थे ना तो वहाँ पे 4-5 फौजी जवान से लूट मारते थे, उधर से रोटी भी नहीं आती थी, तो आगा साहब के उससे लंगर से ये खाते थे, जो आगा साहब के घर पकता था, तो सादा से सादा खुराक ही थी, ये नहीं मैं कह रहा, खुराक सादा थी, तो वो जो दाल रोटी थी तो वही फौजी खा खू लेते थे, हाउस अरेस्ट था, मुलाकात की जाती थी, तुम्हारे डेटा शेटा सारा नोट होता था वगैरह वगैरह। जनरल फैज अली चिश्ती जो मुशरफ का नहीं ज़ियाउलग का जो राइट हैंड, आगे ज़ियाउलग के भी कह रहे हैं, उसने आके कहा यार इसको क्या, हमारे फौजी भी उधर जाने से कतराते हैं, तो इसको छोड़ ही दो, इसने क्या करना, फिर इसको छोड़ा। आप ये देखें 1971 से उसको पकड़ा था, भुट्टो ने आर्डर किया था, और एक नारोवाल में पुल था, वहां से लाड साहब ने गुजरना, तो पुलिस की गार्द लग गई, 15 साल गार्द लग रही कि लाड साहब ने आना सियालकोट से नारोवाल, इस तरह यही था, भुट्टो डाल के भूल गया, भुट्टो फांसी चढ़ गया, भुट्टो की फांसी के बाद उन्होंने कहा होएगा कि भुट्टो तू जिसको कर रहा था उसको हमने तेरे तेरे जिंदगी में नहीं छोड़ा, उस वक्त तक वगैरह वगैरह रखा। किताब उन्होंने लिखी थी ये, जिस तरह आजकल घर रातों रात उठा लिया जाता है, टाइम भी देख रहे हैं 10 मिनट खत्म करना, उठा लिया जाता है ना बंदा, इस तरह उठा लिया जाता था, और जिस तरह आजकल किताब छपती है वो इतनी गंदी फोटो कापी की बाइंडिंग की हुई, जुवे चौधरी ने थोड़ा सा बीच में सही अपना रखता है, लुच तल के रखता है उसको सही, वो हाजरा बीबी को खड़काया था, इसको मेरे ख्याल यहाँ, क्योंकि बेचारा ये पूरा खानदान रोड मार कप गया,
इसको यहीं पे मेरे ख्याल क्लोज करते हैं। फिर अगली किस्त में हमारा जन्नत हमारा दोजख, आप ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के सीन पार देख रहे हैं, तो ये मेरी बेटी का घर है, तो उधर जो जो मेरे दूसरे बेटे का घर है, वो बच्चा पैदा हुआ तो फिर पार्टी करनी, तो खतने कराने, चांद मनवानी, तो वो घर के वाइट वाश हो रही है, तो मुझे एलर्जी में, तो जहाज में भी खाऊं 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 कुत्ते की तरह करता आया, मास्क भी लिया हुआ था, तो इस वजह से मैं यहाँ टेम्परेरी स्टे है, तो उम्मीद है कल तक शिफ्ट हो जाऊँगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान को दुआ में ना भूलना, चाहे इमरान खान हो, चाहे मुनीर शाह हो, चाहे नवाज शरीफ हो, जो जो कर रहा है उसका सत्यानाश हो, आसम मुनीर मिस्त्री का बेड़ा करो कोई। अगली जो है एक और मलंग सा था, हाउस रेस्ट शुदा गुल हसन की दास्तान सुनाई जाएगी, वो भी बड़ा बेजर था। पाकिस्तान जिंदाबाद।